अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे, हरीम बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है जामिन का और उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। ये सब कुछ देखकर हरीम की अम्मी गुस्से से आग बगोला हो जाती है और वह अपने शोहर से चिल्लाती हुई कहती है कि ये लड़की पागल हुई है और इस दुखीबाज शख्स की मोहब्बत में अंधी हुई है और ऐसी अंधी हो चुकी है और इसे एहसास भी नहीं अपनी बेइज्जती का। इसकी बात आप देखेंगे। ये सब देखकर मुनज़्ज़ा बेगम काफ़ी खुश होती है और वह जामिन से कहती है कि इस तरह हरीम का ख्याल रखो। इसकी बात आप देखेंगे। शमसा हाला का कंजूस शोहर उससे कहता है कि ये लड़की नहीं है, चलती फिरती लॉटरी का टिकट है। ये सारी बातें सहर भी सुन लेती है। इसकी बात आप देखेंगे। सहर अपने वालिद की कब्र पे जाती है और जब वापस घर आती है तो रोती हुई शमसा हाला से कहती है कि मैंने तो कोई हक नहीं मांगा था जामिन से, लेकिन फिर वह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। इसकी बात आप देखेंगे। जामिन और हरीम हनीमून के लिए जाते हैं और जब वह ये बात अपनी अम्मी को बताती है तो इस बात की वजह से वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह हरीम से कहती है कि शहर को टिकाने से पहले तुम जितनी भी खुशियाँ मना लो सब खुशियाँ जाली है। ये बात शहर को भी बुरी लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसकी बात आप देखेंगे। मुनज़्ज़ा बेगम राबिया बेगम से कहती है कि मैंने शहर के लिए तलाकनामा बनवा ली है। ये बात सुनकर हरीम और उसकी अम्मी काफ़ी खुश हो जाती है और वह तलाकनामा भिजवाती है शहर के पास। जी दोस्तों, आपके ख्याल में जामिन और शहर की तलाक होगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।